बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड नॉलेज। टुडे वी कैन स्टार्ट बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट वन, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर वन, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो and a belong to R, show that a minus delta less than x less than a plus delta. If and only if x minus a mod less than delta. Dear student, जब भी if and only if लिखा हो, इसका मतलब सबसे पहले हमने इस चीज़ को लेना है, यानी a minus delta less than x less than a plus delta को लेना है और इस चीज़ को प्रूव करना है, फिर इसको लेना है और ये प्रूव करना है। यानी एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन मौजूद है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। अब यहां से हम एक्स को अलग करेंगे, इसका मतलब ये बन जाएगा ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। अब यहां पर देखें, हमने एक्स माइनस ए बनाना है तो a जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस a इज लेस देन किससे, डेल्टा से। अब यहाँ पर देखें, एक तरफ हमारे पास x माइनस a है, डेल्टा नेगेटिव है और एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, x माइनस ए मॉड, कंबाइन करना है इसको, इक्वेशन वन का नाम दें, इसको इक्वेशन टू का नाम दें और यहां पे लिखें कंबाइनिंग वन एंड टू, तो x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा। इसका मतलब हमारा एक हिस्सा जो है वो प्रूव हो गया है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है, क्या लिखेंगे, कन्वर्सली। जब हम लिखेंगे कन्वर्सली, इसका मतलब हुआ अब हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा, ये गिवन है। तो अब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे x को लेकर आना है, ये a इधर आ जाएगा, बल्कि हम एक काम करते हैं, माइनस a है तो हम हर एक के साथ a ऐड कर देते हैं, यानी a ऐड किया किसके साथ, माइनस डेल्टा के साथ, लेस देन x माइनस a है तो हमने एक ऐड और a कर दिया, लेस देन डेल्टा है हमने लिखा a प्लस डेल्टा। अब यहां पर देखें, ये बना a माइनस डेल्टा लेस देन x और लेस देन, यहां पर देखें a a से कट हो गया, इधर बन गया a प्लस डेल्टा। अब तवज्जो करें, इसको मैं बड़ी आसानी से अगर आपको दिखाऊं तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है कि ये ही वो चीज है जिसे आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। किस तरह, दोबारा देखें, सबसे पहले उसने कहा कि a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा को आपने लेना है और इसको हमने प्रूफ बनाना है। क्या हमने प्रूफ करना है, x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा। गिवन क्या है, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, हमने इसको लिया वहां से, x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा प्रूव किया। अब हमने इसी को लिया और हमने ये प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। जस्ट हमने ए इसको ख़त्म करने के लिए हर तरफ ए ए ऐड कर दिया, तो ए जब इसमें ऐड हो गया तो दरमियान से ए ख़त्म हो जाएगा, एक्स रह जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद है कि आपको इस इम्पोर्टेंट लेक्चर समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।